खबर राजधानी देहरादून से है, जहां इन दिनों जिला अस्पताल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, जिससे कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल में जिला अस्पताल कोऑर्डिनेशन में इन दिनों स्टाफ की भारी कमी है, जिसे लेकर अस्पताल की CMS शिखा जांगपांगी ने DG हेल्थ व स्वास्थ्य सचिव को कई बार पत्र लिख दिए। बावजूद उसके अब भी स्टाफ कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं CMS की माने तो स्टाफ के ना होने से अस्पताल में आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि एक दिन पहले ही उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री दावा कर रहे थे कि उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में स्टाफ नर्सों से लेकर डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ICU में स्टाफ नर्स और कुछ वार्ड बॉय भी नहीं थे, जिनकी सहयोग से हम हमारा ICU 10 बेड का ICU चल रहा है। उसमें एवरेज में हमारे यहाँ करीब 8 से 9 मरीज एवरेज एडमिट रहते हैं, और ये क्रिटिकली सिक पेशेंट्स होते हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ लेके ही जा पा रहे हैं। साथ ही हमने अभी माननीय मंत्री को भी बीच में उनका राउंड भी हुआ था, तो हमने उनको अवगत कराया था कि हमें अगर कुछ और स्टाफ नर्सेज मिल जाएंगे तो हमारे और वार्ड भी थोड़ा अच्छी तरह से चल पाए। तो मंत्री जी का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था इसके लिए। उन्होंने कहा कि हमको जो दूर में हमारा स्टाफ है वो शीघ्र ही हमें मिलने वाला है, और इसके लिए DG मैडम से भी हमने